हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनाया है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसका एंड प्रोडक्ट कैसे दिखता है। और वो उसका मैं आपको एक सबसे पहले एक डेमो दूंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ से मैंने डेटा लिया और कैसे मैंने मॉडल को बनाया, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, कैसे उसको उसका बैक एंड बनाया, कैसे उसका फ्रंट एंड बनाया, और ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद भी अगर गलती से आपका कोई डाउट बच जाता है और अगर आपको कुछ रेफर करना है तो पूरा कोड जो है मेरी गिटहब रेपो के ऊपर जो है होस्टेड है, उसका लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ मेरी एंड टू एंड प्रोडक्ट का। ये बेसिकली मैंने एक वेब ऐप बनाई है जो कि एक मशीन लर्निंग, जिसके बैकएंड में एक मशीन लर्निंग मॉडल चलता है। ये वेब ऐप बेसिकली करती क्या है, सीएसवी फाइल में आपका जो है डेटा लेती है, कस्टमर की ट्रांजेक्शन का डेटा, और उस डेटा को यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, मशीन लर्निंग मॉडल जो है उस डेटा को बेसिकली थ्री थ्री डिफरेंट क्लस्टर्स में जो है डिवाइड करके देगा। मैं आपको पहले इसका एक डेमो करके दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया, ये मैंने जो है एक सीएसवी फाइल को अपलोड कर लिया है। अब मैं जैसे ही सबमिट क्लिक करूंगा, इससे क्या होगा कि बैकएंड में कि इससे बैकएंड कॉल, एक एपीआई कॉल जाएगी और एपीआई कॉल जो है बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा देगी और मशीन लर्निंग मॉडल जो है मेरे को ऐसा कुछ बना के दे देगा। मैं पहले प्लेन लैंग्वेज में आपको ये मॉडल क्या करता है, ये ग्राफ्स क्या है वो आपको बता देता हूँ। जब इस पर्टिकुलर ऐप का डेमो समझ जाएंगे उसके बाद हम जो है इसके स्टेप्स के ऊपर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक स्क्रीन दिख रही है उसके वाई एक्सिस पे अमाउंट का है और एक्स एक्सिस के ऊपर क्लस्टर्स है। बेसिकली मैंने तीन क्लस्टर हैं, 0, 1, 2। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं, मैंने इसमें आईडी दी हुई है 0, 1, 2। आप ये समझ लीजिए कि भाई मेरे पास मान लीजिए 1 लाख कस्टमर का डेटा था, मैंने उनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ये पहली इमेज जो है मुझे ये बता रही है कि भाई जो 0 नंबर वाले ग्रुप में है वो सबसे ज्यादा पैसे जो है मेरे बिजनेस के ऊपर लगाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे उनका अमाउंट जो है लेट से 15-20 हजार से शुरू होके 1,25,000, 1,30,000 तक जा रहा है। और जैसे फिर क्लस्टर 1 में जो है जो कि ठीक ठाक सा पैसा लगाते हैं, और क्लस्टर 2 में क्या है जो बहुत ही कम पैसा लगाते हैं मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। तो पहली इमेज आपको ये बता रही है। दूसरी इमेज की अगर हम बात करें, दूसरी इमेज भी सेम है, एक्स एक्सिस सेम है, मेरे क्लस्टर्स ही हैं, वाई एक्सिस पे मेरा वो चेंज हो गया है, दूसरा पैरामीटर आ गया, वो है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी मतलब मैं कोई पर्टिकुलर कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली मेरे जो है बिजनेस के ऊपर मेरे प्रोडक्ट को खरीदता है या मेरे बिजनेस को विजिट कर रहा है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, और ये रिलेटेबल भी है लॉजिकली, जैसे कि जो मान लीजिए जो 0 नंबर वाले ग्रुप में थे वो अगर ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत बार जो है मेरे बिजनेस को आते, मेरे बिजनेस पे आते हैं या मेरा प्रोडक्ट यूज करते हैं। दैट मीन्स कि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो 0 वाली क्लस्टर आईडी है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली टू 1 और 2। ऐसे ही फिर 1 की जो है 2 से ज्यादा है, क्योंकि 1 वाले भी अमाउंट जो है एक सिग्निफिकेंट सा अमाउंट जो है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर खर्चते हैं। ऐसे ही 2 वाले जो है उनकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट खर्चते हैं। ऐसे ही है, मैं अब आपको तीसरे इमेज का बताऊं तो तीसरा इमेज मुझे क्या बता रहा है, तीसरा इमेज मुझे बता रहा है कि भाई वाई एक्सिस पे मेरा रिसेंसी नाम का एक है और एक्स एक्सिस पे मेरा क्लस्टर आईडी है। रिसेंसी का मतलब है कि दो दो विजिट्स के बीच में लेट से कस्टमर, एक कस्टमर जो है मेरा आज आया और एक वही कस्टमर लेट से 10 दिन पहले आया था, और उससे उस 10 दिन पहले से लेट से फिर से 10 दिन पहले आया था। दैट मीन्स कि दो विजिट्स के बीच में कस्टमर का कितना गैप है। अगर मान लो उनका कम गैप होगा दैट मीन्स कि वो रिसेंटली आ रहे हैं, उनकी रिसेंसी कम है, और उनकी रिसेंसी कम होगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, दैट मीन्स कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और बहुत जल्दी जल्दी आएंगे तो दैट मीन्स कि वो पैसे भी ज्यादा ही खर्च करेंगे कंपेरेटिव टू अदर्स। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 0 वाली आईडी से बिलोंग करते हैं, जो 0 वाले ग्रुप में है, वो उनकी रिसेंसी कम है। रिसेंसी कम होने का मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, यानी कि उनकी दो विजिट्स के बीच में जो है टाइम गैप कम है, और क्योंकि वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं। तो सीधा सा एक यहाँ पे क्लियर कट सा एक लॉजिक यहाँ से निकला है कि जो 0 ग्रुप में कस्टमर्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनके लिए, अब मेरे पास अब ये नॉलेज आ गई है तो मैं उनके लिए कोई ऑफर निकाल सकता हूँ, एक कैंपेन
निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पूरे इस पर्टिकुलर वेब ऐप प्रोडक्ट का जो है, छोटे से प्रोडक्ट का डेमो है। अब हम चलते हैं कि इसको बनाया कैसे है, क्या क्या स्टेप्स हैं और वो कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करेंगे डेटा की। बेसिकली इसमें क्या है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल चल रहा है बैकएंड के ऊपर। फ्रंट एंड आपने देख लिया है, ये इसका फ्रंट एंड है। एक वेब पेज है और उसके ऊपर बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये एक CSV फाइल को लेता है और प्रोसेस करके मुझे इमेजेस की फॉर्म में, जिसको मैं इंटरप्रेट कर पाऊं, ऐसी फॉर्म में मुझे डेटा दे देता है। तो अभी सबसे पहले मैं डेटा की बात करता हूं जिसके ऊपर मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो है ट्रेन हुआ है। अब जैसे कि ये डेटा है, ये है वो डेटा जिसको बेसिकली मैंने यूज करके जो है और ये डेटा बेसिकली है क्या, ये किसी ऑनलाइन रिटेल शॉप का डेटा है। और बेसिकली जैसे कस्टमर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, वो किस किस कंट्री से खरीदी हैं, और बेसिकली उसकी इनवॉइस डेट कब थी। जैसे कि आप सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे बिग बाजार में या कहीं पे भी, जो बेसिकली जब हम बिलिंग करवाते हैं वैसा ही डेटा जनरेट होता है, और उस डेटा को उसी सिमिलर सा डेटा है। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है इनवॉइस नंबर, दैट मीन्स कि जब बिलिंग करते वक्त इनवॉइस जनरेट हुई होगी वो उसका नंबर क्या है, स्टॉक कोड क्या है, बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट जो लिया है यूजर ने उसका कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी बेसिकली उसने कितने लिए हैं, लेट्स से 6 बिस्किट के पैकेट लिए या जो भी प्रोडक्ट है उसके उसकी कितनी क्वांटिटी ली है, इनवॉइस डेट कब, किस दिन की बिलिंग है, यूनिट प्राइस बेसिकली मतलब मान लीजिए उसने 6 क्वांटिटी ली है तो एक एक यूनिट का कितना प्राइस है, और कस्टमर की आईडी, हर कस्टमर की एक यूनिक आईडी रहेगी, और किस कंट्री से कस्टमर बिलोंग करता है, दैट मींस कि किस कंट्री का कस्टमर है, लेट्स से यूके से किसी ने एक्सेस किया है, क्योंकि एक ऑनलाइन रिटेल शॉप का डेटा है तो ऐसा कुछ जो है ट्रांजेक्शनल डेटा है। अब आप ये समझेंगे कि यहाँ पे जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट है, रीसेंस फ्रीक्वेंसी, रीसेंसी, ये सब तो इसमें है ही नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस रो डेटा में ऐसा कुछ भी कॉलम या डेटा नहीं है मेरे पास जो कि मेरे को फ्रीक्वेंसी बताता हो, अमाउंट बताता हो बेसिकली, और या रीसेंसी बताता हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमने कैसे किया वो भी अभी आपको बताएंगे। तो एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन जो है डेटा का, आई थिंक आ गया होगा समझ में, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की। मशीन लर्निंग मॉडल क्या बनाया, कैसे बनाया और क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए, मैं उसके गो उसमें आइटरेट करूंगा, उसके गो थ्रू करवाऊंगा आपको। आपको अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि ये सारा कोड जो है गिटहब के ऊपर होस्टेड है, यहाँ पे इस गिटहब के ऊपर होस्टेड है, आप यहाँ पे जाएंगे और जाके देख सकते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे मेरे यूट्यूब के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर बेसिकली मंदीप खर्ब, और यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे जो है सारा कोड होस्टेड है, आप जाइए चेक कीजिए, यूज कीजिए। इस पर्टिकुलर के लिए मशीन ML फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट कस्टमर सेगमेंटेशन, यहाँ पे मैंने मेरे जो पुराने ट्यूटोरियल्स हैं AWS डिप्लॉयमेंट के, GC डिप्लॉयमेंट, गूगल क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट के, मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉयमेंट, पूरी एक सीरीज बनाई थी, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम के मशीन लर्निंग मॉडल बना रखे हैं, वो सारा है। तो चलिए इस पर्टिकुलर की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो है होस्टेड है। अब वापिस आ जाते हैं हमारे इस मॉडल के ऊपर कैसे बनाया। सो बेसिकली इसके लिए मैंने एक के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज किया है, जो कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है और क्लस्टरिंग के काम आती है। सो बेसिकली तो इसमें क्या है कि इसमें पर्टिकुलर शुरू में एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल लिख रखा है कि ये एक ऑनलाइन रिटेल का ट्रांजेक्शनल डेटा सेट है विच कंटेन्स ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस टू दिस। बेसिकली आपका भाई ये जो है, जो मैंने अभी डेटा दिखाया था, ये डेटा जो है 2010 से 2011 के बीच का है और इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन रिटेल शॉप का है। अब इसमें हम क्या अचीव करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भी रिसेंसी नंबर ऑफ डेज सिंस लास्ट परचेज, यानी कि मतलब कितना कितने दो ट्रांजेक्शन के बीच में कितना गैप है, फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। आप रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे को कंफ्यूज मत कीजिएगा। रिसेंसी आप ये समझ सकते हैं, रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिसेंसी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रिसेंसी कम होगी, ठीक है। और मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब कितना पैसा, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस कितनी की है पर्टिकुलर यूजर ने, या उसने रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर कोई आपका कस्टमर बहुत ज्यादा जो है आपके बिजनेस को यूज कर रहा है या आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है,
ठीक है, तो हम बेसिकली इन तीन फैक्टर्स के ऊपर, बेसिकली रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी, इन तीन फैक्टर के ऊपर जो है हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। और हम कैसे ट्रेन करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैंने जो है जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इम्पोर्ट किया, नम पाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबोन, डेट टाइम, एसकेलर्न, ये सिंपल सी लाइब्रेरीज हैं। आई होप कि आपको ये आती होंगी, आई मीन इनका यूज करना आता होगा, इट्स वेरी सिंपल। नहीं यूज करना आता है तो मेरी एक मशीन लर्निंग की पूरी, एक हर एल्गोरिथम के लिए एक मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत ही डिटेल में जो है हर चीज की एक्सप्लेनेशन है, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थी उनको इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद मैं इस डेटा को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने रीड करके रिटेल नाम के एक डेटा फ्रेम में डाल लिया। इसमें अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे है नहीं, इसको मैं जो है इसको मैं अभी जल्दी से ठीक कर देता हूँ। गलती से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है मैंने इसको जो है यहाँ पे जो है मेरा जो है डेटा जो है इसको जो है मैंने कुछ मैं चेक कर रहा था अपने उसके लिए, तो मैंने इसको जो है रीनेम किया था। एंड हाँ, तो आई थिंक अब ये चल जाएगा। ठीक है, अब ये चल गया है। और उसके बाद बेसिकली मैंने इस सीएसवी फाइल को रीड किया और इस डेटा रिटेल नाम के डेटा फ्रेम के अंदर आ गया। और रिटेल डॉट हेड मुझे क्या देगा, पहले पांच रिकॉर्ड उठा के दे देगा विद द कॉलम्स। तो ये वही कॉलम है जो कि मैंने अभी इस सीएसवी फाइल में दिखाया। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार जल्दी से ये देख लेता हूँ कि मेरे डेटा फ्रेम की शेप क्या है। शेप का मतलब कि भाई कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं, क्या है। तो जैसे ये दिखा रहा है इतनी रोज हैं, 54,1909 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इन्फो देख लेता हूँ मैं। इन्फो मुझे बेसिकली क्या देगा कि इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कौन सा कॉलम किस टाइप का ऑब्जेक्ट का, लेट से स्ट्रिंग है, फ्लोट है, किस टाइप का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मुझे आइडिया मिल गया कि भाई हाँ ये कॉलम जो है मेरा इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का है, इसमें फ्लोट डेटा है, इसमें कौन सा डेटा है वैसा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमेशा बेसिक सा रूल ये है कि लाइफ में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती, तो डेटा हमारा उतना साफ सुथरा नहीं होगा जो कि हम डायरेक्ट इसको मॉडल को दे दें। अगर डायरेक्ट मॉडल को यही डेटा दे देंगे तो मॉडल खुद जो है परेशान हो जाएगा और वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, ना आपके लिए कोई अच्छा सा काम कर पाएगा। तो पहले हमें जो है इसको डेटा को क्लीन करना है। डेटा को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैलकुलेटिंग द मिसिंग वैल्यूज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन डेटा डेटा फ्रेम। बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि भाई कितने परसेंटेज मिसिंग वैल्यूज हैं हर उसमें। सिंपल सिंपल से ही पाइथन का सिंपल कोड है, ज्यादा कुछ है नहीं। रिटेल जो मेरा डेटा फ्रेम था उस पे मैंने इज नल का फंक्शन कॉल किया, उसके ऊपर फिर मैंने सम का फंक्शन कॉल किया। तो बेसिकली ये मुझे क्या कर देगा, और उसको फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो ये फिर मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला बना दिया कि भाई जितने टोटल नल हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके और जितने रिकॉर्ड हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये परसेंटेज दे देगा। तो बेसिकली आप अगर इसमें देखोगे तो इनवॉइस में एक भी परसेंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में 0.27% का डेटा बेसिकली मिसिंग है, और कस्टमर आईडी सबसे ज्यादा मिसिंग है। कस्टमर आईडी हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस मामले में लकी हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ रोज जो है जो कि जिनका बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई कुछ जो है मिसिंग है, मिसिंग रोज को हैंडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें से कुछ डेटा जो है मैंने इस पर्टिकुलर डेमो के लिए बेसिकली उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन देर आर डिफरेंट अप्रोचेज टू हैंडल द मिसिंग रोज। उसके लिए भी मैंने एक जो है पूरी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर जो है मेरी मशीन लर्निंग के अंदर जो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जो मिसिंग मिसिंग वैल्यू के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सब है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। मैंने ड्रॉप कर दिया तो उसका मतलब ड्रॉप कर दिया तो कुछ रोज जो मेरी ड्रॉप हो गई होंगी, आज यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रॉप हो गई तो मेरा जो डेटा फ्रेम का साइज जो है कम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ द कस्टमर आईडी। इसमें बेसिकली क्या है कि जो ऊपर जो मेरा कस्टमर आईडी था, वो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी
कस्टमर आईडी का जब मैंने इन्फो दिखाया था आपको, यहाँ पे कस्टमर आईडी मेरा फ्लोट टाइप का है। कस्टमर आईडी फ्लोट टाइप का होना कोई सेंस नहीं करता है, इसलिए मैं उसको जस्ट उसका टाइप जो है चेंज कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, रिटेल डेटा फ्रेम के ऊपर जो मेरा कस्टमर आईडी है, उसको जो कस्टमर आईडी कॉलम है उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया एज टाइप, और उसमें पास कर दिया कि किस टाइप का चाहिए मुझे, और एसटीआर टाइप का बना दिया, और उसमें फिर मैंने जो है इसी कॉलम को जो है असाइन कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हो गया कि वो इस जस्ट की उसका ऑब्जेक्ट टाइप जो है चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम इन तीन फैक्टर्स के ऊपर, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी, आरएफएम आप शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए इस पर्टिकुलर डेमो के लिए, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी। तो मॉनिटरी अब ये डायरेक्ट जो है, ये तीनों फैक्टर जो है डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हमें जो है अपने डेटा के ऊपर जो है कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हमारे पास ये चीजें आएंगी, उसके ऊपर फिर हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मशीन मॉनिटरी वाला जो है वो निकालता हूँ, फैक्टर या एट्रीब्यूट आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में। तो मुझे क्या करना है कि उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो है यहाँ पे न्यू एट्रीब्यूट मॉनिटरी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, जो मेरा रिटेल डेटा फ्रेम है उसमें जो क्वांटिटी कॉलम है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो मेरा रिटेल कॉलम, रिटेल डेटा फ्रेम है उसके अंदर यूनिट प्राइस। दैट मीन्स की सिंपल सी बात है, आपने मान लीजिए बिस्किट लिए 10 पैकेट, 10 पैकेट में से एक यूनिट का प्राइस कितना है, मान लीजिए 2 रुपए, और आपने ली दो 10 यूनिट लेट से, तो 2 × 10 तो वो मुझे अमाउंट दे देगा बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का सब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, और मल्टीप्लाई करके उसी डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम बना के उसको असाइन करवा दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस की मल्टीप्लीकेशन करके अमाउंट में डलवा दी वो वैल्यू। उसके बाद जैसे हम ग्रुप बाय करते हैं, बेसिकली ग्रुपिंग करते हैं, तो मैंने क्या किया कि उसकी ग्रुपिंग कर दी, बस दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इस कस्टमर आईडी के, इस कस्टमर आईडी वाले कस्टमर ने 0 रुपए लगाए हैं, इस कस्टमर आईडी वाले कस्टमर ने इतने रुपए लगाए हैं, इस कस्टमर आईडी वाले कस्टमर ने इतने रुपए लगाए, लेकिन ये हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, ये हमने थोड़ा लॉजिक बनाया, सोचा कि भाई कोई कस्टमर कितने पैसे लगा रहा है वो कैसे पता लगेगा। तो वो ऐसे पता लगेगा कि उस वो कस्टमर जितनी बार भी आ रहा है और जो चीज ले रहा है उसकी क्वांटिटी और उसके यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, उस प्रोडक्ट के हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, और फिर उसका सम कर दो बेसिकली, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर कस्टमर ने जितने भी पैसे लगाए वो आ जाएंगे। तो वैसा ही किया है, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर अभी समझ में नहीं आया, आराम से बैठ के थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, रिलेट करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि बेसिकली वो कितना फ्रीक्वेंटली कस्टमर जो है हमारे पास आ रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब 2 दिन के बाद आ रहा है, हर 3 दिन के बाद आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमें ये निकालना है कि कोई कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि कस्टमर आईडी के बेस के ऊपर ग्रुप करेंगे और इनवॉइसेस का काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे मुझे ये मिल जाएगा कि कितनी बार जो है मेरा कस्टमर आ रहा है। तो वही मैंने किया है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। रिटेल्स डेटा फ्रेम के ऊपर मैंने इस कॉलम के बेस पे ग्रुप बाय किया, और फिर इस कॉलम के बेस पे जो है मैंने उसका काउंट निकाल लिया, तो मुझे ये दे देगा, और फिर मैंने उसको जो है एक नए कॉलम में डलवा दिया फ्रीक्वेंसी में, और अलग से और ज्यादा कुछ नहीं किया। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि भाई मेरा ये वाला जो कस्टमर है 182 टाइम आया है साल में, लेट्स से ये कस्टमर जो है 31 टाइम आया, ये कस्टमर जो है मेरा 73 टाइम आया। तो ऐसे ही जो है हम जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि नेक्स्ट हमें ये करना है, जैसे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जो है मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया है, और यहाँ पे इससे पहले जो मैंने ये किया था मॉनिटरी वाला, यहाँ पे मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया। तो बेसिकली मेरे पास एक टेबल डेटा फ्रेम, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक टेबल होती है, तो ये एक मेरी टेबल ये होगी कस्टमर आईडी और अमाउंट वाली,
और एक मेरी टेबल ये होगी कस्टमर आईडी और फ्रीक्वेंसी वाली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। बेसिकली मर्ज करूंगा तो मैं एक कस्टमर आईडी रख लूंगा, एक अमाउंट रख लूंगा और एक फ्रीक्वेंसी रख लूंगा। ठीक है, तो जैसे कि अब ये दिखा रहा है कि भाई मैं पीडी डॉट मर्ज कर रहा हूँ, पांडाज लाइब्रेरी के ऊपर मर्ज फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। कौन से दो को मर्ज कर रहा हूँ, इस डेटा फ्रेम को, इस डेटा फ्रेम को, और किस कॉलम के बेस पे कर रहा हूँ, इस कॉलम के बेस पे, और कौन सा मर्ज है, इनर मर्ज है। ठीक है, तो अब जो हम जो है ये मेरा उन बेसिकली उन दो टेबल को मिला के मैंने एक टेबल बना दी, सिंपल इनर ज्वाइन आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो है ये टेबल बन के आ गई, ये कस्टमर आईडी होगी, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मेरे पास दो फैक्टर तो रेडी हो गए, अब मुझे तीसरा फैक्टर और रेडी करना है। तीसरा फैक्टर था मेरा रिसेंसी। रिसेंसी में बेसिकली क्या होता है कि मुझे ये बताना है कि भाई दो ट्रांजेक्शन के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट एज सच इस डेटा के हिसाब से कोई मेथड तो है नहीं, बट हाँ एक चीज है, मेरे पास इनवॉइस डेट है। तो मैं क्या करूंगा कि एक कस्टमर की लेट से लास्ट इनवॉइस डेट निकालूंगा और उससे पहले वाली इनवॉइस डेट निकाल लूंगा, तो उन दोनों के बीच में से उनका डिफरेंस कितना है वो निकाल लूंगा। लेट से आज एक आज मान लीजिए 25 तारीख है, 25 तारीख को एक कस्टमर आया और लेट से वही कस्टमर आया था मान लीजिए 7 दिन पहले 18 तारीख को, तो मैं 25 तारीख का एक मेरी ट्रांजेक्शन होगी, 25 तारीख की एक मेरी 18 की ट्रांजेक्शन होगी, तो मेरी जो इनवॉइस डेट है उनका गैप निकाल लूंगा, तो वो मुझे रिसेंसी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो मेरा डेट और टाइम, जो मेरा ये वाला कॉलम था, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर ऑपरेशन कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पीडी पीडी डॉट टू डेट टाइम, ये फंक्शन होता है, इसके ऊपर आप क्या करते हैं कि आप ये वाला कॉलम देंगे जिसके ऊपर आप ये फंक्शन कॉल करवाना चाह रहे हैं और किस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट दे देंगे, तो ये आपको एक और नया डेटा फ्रेम बना के दे देगा। तो ये मेरे लिए एक नया डेटा फ्रेम बना देगा रिटेल इनवॉइस डेट का। ठीक है, अब मेरे पास रिटेल इनवॉइस डेट का डेटा फ्रेम आ गया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये मैं आप जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे ये देखिए, ये मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है। ठीक है, ये मेरे पास रिटेल इनवॉइस डेट आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं इनमें से जो है कंप्यूट द मैक्सिमम डेट टू नो द लास्ट ट्रांजेक्शन डेट। हाँ, अब मुझे इसमें एक चीज ये चाहिए होगी कि सबसे लास्ट मतलब सबसे लेटेस्ट ट्रांजेक्शन किस डेट की है, ताकि मैं माइनस कर पाऊंगा ना उससे। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटेल की जो इनवॉइस डेट है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, मैक्सिमम मतलब सबसे लेटेस्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम डेट है और जो रिटेल की इनवॉइस डेट है जो कि मैंने अभी आपको बताया था उसको माइनस कर दूंगा, तो वो मुझे जो है डिफरेंस दे देगा कि भाई कितने दिन का डिफरेंस है, वही मेरी रिसेंसी है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने वही किया है। तो ये यहाँ पे जो शुरू में डेटा फ्रेम लिया था मैंने उसमें एक कॉलम अटैच कर लिया, और जैसे आप देख सकते हैं इनवॉइस डेट से बेसिकली इनवॉइस डेट के ऊपर थोड़ा मैंने मैथमेटिकल चीजें यूज करी, उसकी ग्रुपिंग करी, कुछ किया, और उसके बाद मैंने एक ये नया इसी डेटा को दूसरी फॉर्म में ले आया और ये मेरे को डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे रिसेंसी कम वो करनी है। वो मुझे क्या करनी है, सिंपल सा है, मैं पहले ग्रुप बाय कर दूंगा। ग्रुप किसके बेस पे करूंगा, कस्टमर आईडी के बेस पे करूंगा, और डिफरेंस ये मेरा जो डिफरेंस है ये वाला कॉलम, और उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, और ये मैं क्या कर रहा हूँ रिटेल डॉट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, और फिर जो रिकॉर्ड्स आएंगे उनमें से डिफरेंस वाली वैल्यू निकाल के और मिनिमम निकाल के उसके आरएफपी जो है उसमें एक नए 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 वेरिएबल में असाइन करवा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है फिर उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, उसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है 325 डेज, 8 डेज, 74 डे, 18 डेज, तो हर कस्टमर आईडी का रिसेंसी आ गई। ठीक है, अब रिसेंसी आने के बाद सिंपल सी बात है, अब रिसेंसी में ये था कि ये इस फॉर्म में आई है 325 दिन 2 घंटे 33 मिनट। अब मुझे 2 घंटे 33 मिनट से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिंपल इसको राउंड फिगर बना लूंगा 325 भाई। ठीक है, तो वो मैंने इसको राउंड फिगर बना लिया, सिंपल इसको चेंज कर दिया, पीछे वाला जो है हटा दिया इसमें से, सिंपल बस मैंने डेज निकाल लिए। डेज निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा डेटा फ्रेम इससे पहले वाला था, ये वाला डेटा फ्रेम, ये वाला जो डेटा फ्रेम था जो हम नया वाला बना रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं इसमें ना रिसेंसी वाला और ऐड कर दूंगा, तो फिर मेरा पूरा डेटा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं आ गया, अब यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ गया था,
हाँ यहाँ पे जो है, अब इसको मैं अगर कॉल करूंगा, ये देखो, तो अब मेरा क्या हो गया कि ये मेरा डेटा जो है अब पूरी एक्चुअल फॉर्म में आ गया जिसमें मुझे चाहिए था। मेरे पास एक कस्टमर आईडी है, अमाउंट है, फ्रीक्वेंसी है और रिसेंसी है, ये देखिए। तो यहाँ पे अमाउंट बता रहा है कि भाई इस कस्टमर ने कितने रुपए लगाए हैं आज तक, और जैसे कि अभी ये दिखा रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी 2 है, तो और लेकिन पैसा एक भी नहीं लगाया। तो पैसा नहीं लगाया तो कुछ भी, अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि भाई 2 बार आया लेकिन पैसा एक बार भी नहीं लगाया, ये क्या बात हुई। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जब इनवॉइस डेट बेसिकली इनवॉइस जनरेट हो रही हो, अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ऐसे, मतलब थोड़े से आउटलायर टाइप ऑफ डेटा के। एक जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप कूपन पे भी वो कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो वो अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब कभी भी आप देखते हो कि आपके पास कूपन वाला ऑफर होता है तो उसमें बेसिकली कूपन से ही पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और आपका अमाउंट जो है जीरो ही दिखाता है बिल में। तो ये वैसा केस भी हो सकता है। ऐसे ही फिर जैसे दूसरे एग्जाम्पल पे अगर मैं बात करूं, उसकी कस्टमर आईडी ये है, उसने इतने रुपए लगाए, 182 बार आया है वो, और उसकी रिसेंसी एक, ठीक है। और ये जो है मेरा ऐसे ही है, मतलब ऐसे मेरा सारा डेटा है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें कुछ डेटा जो है आउटलायर होगा। आउटलायर का मतलब कि आउटलायर मतलब कि जो बात हजम होने वाली नहीं हो, वैसा कुछ डेटा। अब हम बात करते हैं, अब क्योंकि हमारा डेटा एक फॉर्म में आ गया है, अब जो है मुझे जो है इस डेटा की फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आउटलायर्स। आउटलायर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेटा है, उस डेटा में लेट्स से एक कॉलम है एज, ठीक है। अब एज के अंदर लेट्स से किसी पर्टिकुलर रो के लिए एज आ गया -100, जो कि रिलेटेबल नहीं है, एक्चुअल भी नहीं है, सही भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं है। तो जब आप उसको ग्राफ में बनाओगे ना, सारे डेटा पॉइंट्स एक साइड होंगे और आउटलायर कहीं अलग ही दिख रहा होगा दूसरी दुनिया में। तो आउटलायर्स वैसा डेटा होता है। आउटलायर्स हमें हमेशा जो है उनकी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए डेटा को मॉडल को देने से पहले। उसमें बेसिकली क्या होता है, उससे बेसिकली फायदा ये होता है कि हमारा मॉडल अच्छे से बिहेव करता है, हमारे मॉडल में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इन बेसिकली इन एट्रीब्यूट के हिसाब से जो कि अभी मैंने बना लिए हैं, इनमें जो भी आउटलायर्स हैं उनको जो है मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, 3 एरे लिस्ट, उसमें 3 ये उनके नाम डाल दिए कि भाई अमाउंट फ्रीक्वेंसी हो रही है। फिर मैं यहाँ पे फिगर का साइज दे रहा हूँ कि भाई फिगर का साइज क्या होना चाहिए। फिर मैं उसका बॉक्स प्लॉट यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है RFM डेटा फ्रेम के ऊपर ये वाले एट्रीब्यूट्स यूज कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन ये सारा डिजाइनिंग का पार्ट है, उसका टाइटल क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये सब वो है, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, आप इसमें देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि जो जो चीजें आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ में, ये अमाउंट के हिसाब से आउटलायर है भाई, और ये वाले जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और ये वाले रिसेंसी के हिसाब से। अब इनमें से आउटलायर वो है जो ये वाले जो जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली और ये वाली जो पतले वाली, इनसे ऊपर और इससे नीचे जितने भी है ना, इसको बोलते हैं इस लाइन से जो ऊपर है और इस लाइन से नीचे वाली जो पतली लाइन है उससे नीचे है, वो सारे आउटलायर है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी वाले में वो इतनी पास इसलिए दिख रहे हैं कि क्योंकि वो डेटा जो है बहुत पास पास का है, इसलिए वो जो है एक काइंड ऑफ ओवरलैप हो गया, इसलिए वो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा। और रिसेंसी में भी वही केस है, बट इसमें भी लॉजिक वही रहेगा। लॉजिक यही रहेगा कि ये आपकी मीडियन लाइन होती है, जो बेसिकली जो बड़ी और मोटे वाली हॉरिजेंटल लाइन है, ये मीडियन लाइन होती है। अब मीडियन लाइन से जो ऊपर जो एक लाइन है पतले वाली, ये होती है 75th क्वांटाइल, और ये नीचे वाली होती है 25th क्वांटाइल, ठीक है। अब इससे नीचे और 75th वाली से ऊपर, ये सब आउटलायर है, ये सब आउटलायर है, ठीक है। तो हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट में डिफरेंट तरीके होते हैं, आप इनको निकाल सकते हैं, आप बेसिकली इनको मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन से रिप्लेस कर सकते हैं, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में, मैं इनको हटा रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये जो है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैंने सिंपल सिंपल क्या किया कि मैंने उनको जो है हटा दिया है। और कैसे हटाया, हटाने का एक सिंपल बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल एक के लिए बता देता हूँ। जो RFM, RFM इज माई डेटा फ्रेम, RFM के ऊपर जो अमाउंट है, कॉलम
कॉलम है उसमें क्वांटाइल 0.05 लगाया मैंने, ये मुझे Q1 दिखाता है, ये मेरा Q3 दिखाता है। सो बेसिकली है ना, ये क्वांटाइल कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें मैं Q1 निकालूंगा, Q3 निकालूंगा और IQR निकालूंगा। IQR जो है Q3 - Q1 होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है मैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप ये बोलेंगे कि भाई यही क्यों करना, वो क्यों करना, आप ये सिंपल समझ लीजिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब जैसे कि पाई का फॉर्मूला 22/7 ही क्यों होता है, ठीक है। डिबेट करने वाले तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, बट दैट इज मैथमेटिकली प्रूवन, ऑलरेडी प्रूवन वो मैं, और आप उसको ये समझ लीजिए कि भाई वो मैथमेटिकल का फॉर्मूला है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो है बेसिकली जो है आपका आउटलायर निकालने के लिए IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है, जो कि जिसको IQR बोलते हैं, वो उसका फॉर्मूला ये होता है। उसका फॉर्मूला होता है भाई Q3 - Q1। अब Q1 कैसे निकलता है, Q1 ऐसे निकलता है, और Q3 कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है, ठीक है। जब आप इसका IQR निकाल लेंगे तो फिर उसमें एनीथिंग यहाँ पे अमाउंट कॉलम में एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन Q1 - 1.5 × IQR, जो इस फॉर्मूला से बड़ी है और जो इस फॉर्मूला से बेसिकली RFM.amount लेस देन Q3 × 1.5 × IQR जो इससे छोटी है, उन सबको जो है निकाल, ठीक है। ऐसे ही मैंने रिसेंसी के लिए कर रखा है, ऐसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए कर रखा है। तो ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सिर्फ इसको पाइथन की फॉर्म में जो है अप्लाई किया, ठीक है। ये मुझे क्या करेगा, ये मेरे जो है रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद अब आती है स्केलिंग। स्केलिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम, स्केलिंग में हम बेसिकली करते हैं, स्केलिंग में क्या करते हैं कि लेट से मान लीजिए मेरे पास तीन कॉलम है भाई, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और रिसेंसी। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं सिंपल, एक बार यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप इसको ही रेफर कर लीजिए। यहाँ पे अमाउंट तो है थाउजेंड्स में, हजारों में, और फ्रीक्वेंसी है जीरो से मान लो 300 के बीच में, और ऐसे ही रिसेंसी है 0 से 300 के बीच में। तो कोई एक चीज तो 0 से 300 के स्केल पे है, कोई दूसरी चीज 0 से 200 के स्केल पे है, और एक तीसरी चीज जो है 0 से 1000 के स्केल के ऊपर है। तो जब आप इनका मैथमेटिकल बेसिकली ऑपरेशंस करेंगे, तो ये हाईली पॉसिबल है कि भाई मशीन लर्निंग मॉडल ऐसे समझ ले कि भाई क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस न दे दे। उससे क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है आपका बायस हो जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो है स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, इन सबको किसी तरीके से एक ही स्केल पे ले आएंगे, ठीक है। अब वो स्केल, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड स्केलर होते हैं, बहुत सारे स्केलर हैं पाइथन लाइब्रेरीज में। इस पर्टिकुलर केस में मैंने स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रखा है। तो स्टैंडर्ड स्केलर में क्या करते हैं, मैं स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बना के और इसके ऊपर जो है मैं अपने डेटा फ्रेम को जो है ट्रेन कर दूंगा, फिर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। वो एक काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कि ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, ये मैंने इसको स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया और स्केलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल कर दिया, और उसके अंदर ये वाला डेटा फ्रेम जो है मैंने पास कर दिया, RFM जो है, RFM DF जो है ये पार कर दिया, और फिर लास्ट में जो है ये मेरा स्केल्ड फीचर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हम उसके बाद जो हम करते हैं, ये कुछ नहीं है, ये वो स्केलिंग वाला ही है। अब मेरी स्केलिंग भी हो गई, मेरा आउटलायर रिमूवल हो गया, सारा जो मैंने एट्रीब्यूट बनाने थे वो भी बना लिए। अब हम बात करते हैं मॉडल बिल्डिंग, मॉडल कैसे बनाना है। मॉडल बिल्डिंग के लिए हम जो है इस पर्टिकुलर केस में के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, जो कि बेसिकली क्लस्टर्स बना के दे देगी। जब हम के की वैल्यू लेट से 5 देंगे तो 5 क्लस्टर बना देगी, 4 देंगे तो 4 बना देगी, 1000 देंगे तो 1000 क्लस्टर बना देगी, ठीक है। मैक्सिमम क्लस्टर कितने बन सकते हैं, जितने इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होंगे आपके डेटा के अंदर। आप समझ सकते हैं ना कि भाई मान लीजिए 1000 डेटा पॉइंट है तो मैक्सिमम उसके अंदर कितने क्लस्टर बन जाएंगे, 1000, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर डेटा पॉइंट एक क्लस्टर को, वो अपने आप को बोल देगा कि मैं एक खुद क्लस्टर हूं भाई, ठीक है। तो वो एज ए अपने आपको एक क्लस्टर रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हमें डिसाइड करना है कि भाई हमें कितने क्लस्टर चाहिए। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि ये किस बेस पे डिसाइड करेंगे भाई कितने क्लस्टर, मुझे तो नहीं पता,
मतलब किसी को भी नहीं पता होता, बट इसके पीछे भी एक मैथ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने शुरुआत के लिए क्या किया कि मैंने के मीन्स का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इसमें है ना ये पूछता कि भाई कितने क्लस्टर बनाने। अभी के लिए मैंने 4 पास कर दिए। और एक और मैथड, एक और पैरामीटर होता है मैक्स आइट्रेशन का, वो पूछता है कि भाई कितनी कितनी आइट्रेशन करनी है इस डेटा के ऊपर। अभी के लिए मैंने 50 पास कर दी, और फिर मैंने इसको जो है ये मैं के मीन्स का ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फिट मेथड कॉल कर दिया। फिट का मतलब है ट्रेनिंग करना, और मैंने मेरा जो ये वाला डेटा था RFM DF स्केल्ड, ये वाला डेटा जो है मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब इसे के मीन्स डॉट लेबल्स क्या करेगा, ये मुझे जो है जो मैंने डेटा दिया है ना उसकी लेबलिंग कर देगा कि भाई ये वाला डेटा इस क्लस्टर को बिलोंग करता है, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला इस क्लस्टर को बिलोंग करता है, ये वाला इस क्लस्टर को बिलोंग करता है। अब कि ये चीज के मीन्स ने कैसे करी, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी, के मीन्स की वीडियो होगी मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट के अंदर, आप वो वहां पे जाइए, पूरी डिटेल में बता रखा है कि के मीन्स एल्गोरिथम कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है, अब इसने जो कि मैंने बोला था कि 4 का क्लस्टर बना दो, तो इसने मेरे को 4 क्लस्टर बना दिए, एक 0 ID का, एक को नाम दे दिया 0, एक को दे दिया 1, एक को 2, एक को 3, तो 4 क्लस्टर बन गए मेरे। अब वो 4 क्लस्टर दिख कैसे रहे हैं, होता क्या है, अब वो 4 क्लस्टर, वो 4 ही क्यों बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जैसे उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि भाई नंबर ऑफ क्लस्टर किस बेस पे डिसाइड होते हैं, वो डिसाइड करने के लिए ना एक मेथड होता है एल्बो कर्व का। एल्बो कर्व हमें बता देता है कि भाई क्या बोलते हैं, एल्बो कर्व से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर डेटा के लिए कितने क्लस्टर होना सही रहेगा, जायज चीज रहेगी। तो उसके लिए ये कोड है एल्बो कर्व में। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया कि भाई मैंने बोल दिया कि 2 क्लस्टर 3 क्लस्टर, मतलब मैंने एक रेंज ले ली 2 से 8 तक की। ठीक है, अभी इस लिस्ट के ऊपर जो कि मैंने ऊपर ही इसके ऊपर ही एक फॉर लूप चल रहा है, और मैं उस लेट से मैंने बोला कि भाई 2 क्लस्टर हैं तो यहाँ पे n क्लस्टर इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 चली जाएगी, 3 चली जाएगी, 4 चली जाएगी, 5 चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके ना ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनता रहेगा, इस पे फिट करता ट्रेनिंग करता रहेगा। और फिर एक है ना एक चीज होती है के मीन्स डॉट इनर्सिया, के मीन्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर इनर्सिया आप कॉल कर सकते हो। इनर्सिया बेसिकली क्या होता है, ये आपको बेसिकली एक आप ये समझ लिए कि ये एक एट्रीब्यूट देता है। बेसिकली क्लस्टरिंग में क्या होता है कि क्लस्टरिंग में बेसिकली आप डेटा पॉइंट्स को एक दूसरे के पास, जो एक दूसरे के पास होते हैं उनको क्लस्टर करते हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक पॉइंट ही आया और एक पॉइंट ही आया उनको बोल दो कि वो सेम ही ग्रुप में, ऐसा नहीं होता है। जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास होंगे जब हम उनको ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे लिए जो है एक क्लस्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है वो चीज डिसाइड करती है। तो ये इनर्सिया जो है मुझे, ये इसका जो इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, ये मुझे देगा कि भाई 2 पॉइंट्स के बीच में कितना वो है, बेसिकली कितना डिफरेंस है। यहाँ पे SSD के नाम से लिख रखा है। ठीक है, तो ये मुझे दे देगा, और फिर मैं इसको बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए इसमें बेसिकली सिंपल में ये कर रहा हूँ कि एक मैंने के मीन्स का ऑब्जेक्ट बनाया 2 क्लस्टर के साथ, फिर उसका इनर्सिया निकाल लिया, फिर 3 के साथ बनाया, फिर 4 के साथ बनाया, फिर 5 के साथ बनाया, 8 के साथ बनाया, और सबका बना के है ना फिर मैंने उनको ड्रॉ कर लिया सिंपल। ठीक है, ये कोड वो कर रहा है। अब इसमें एल्बो कर्व का एक मेथड होता है, बेसिकली जहां पे ये है ना एक ऐसे एल्बो की फॉर्म में दिखेगा आपको, जहां पे आपका एल्बो वाला मतलब एल्बो पॉइंट दिखेगा ना ऐसे ये वाला, ठीक है, वो पॉइंट जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। उस पॉइंट पे जो नंबर होगा ना उतने ही क्लस्टर हमें उस पर्टिकुलर डेटा के लिए बनाने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर के लिए हमें जो है यहाँ पे जैसे अगर आप देख सकते हैं ना, ये देखिए ये है 3 वाला है, तो यहाँ पे हम बोलने को हम 2 भी बोल सकते हैं, 2 या 3। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें जो है या तो 2 क्लस्टर बनाने चाहिए, या तो दो अगर सिंपल भाषा में, या तो हमें 2 ग्रुप बनाने चाहिए, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ग्रुप बनाने चाहिए। हम एक ग्रुप बनाएंगे तो भी वो अच्छा नहीं बनेगा, 5 बनाएंगे 4 बनाएंगे तो भी वो अच्छे ग्रुप नहीं बनेंगे, मतलब कि वो एक दूसरे से इतने क्लीन ग्रुप नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एल्बो कर्व मेथड होता है। तो यहां से मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो 3 क्लस्टर बनाऊंगा, तो इसलिए
जब मैंने आपको शुरू में ही डेमो दिया था, यहाँ पे आपको 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं मेरे मॉडल को जब मैंने ट्रेन किया कि भाई मैं 3 क्लस्टर बनाऊंगा, तो मैंने 3 क्लस्टर, तो फिर मैंने फाइनली यहाँ पे क्या किया कि मैंने दोबारा से ट्रेन किया 3 क्लस्टर के साथ। शुरू में मैंने ऐसे एक रैंडम के साथ ट्राई कर लिया था, वो रैंडम पे ट्राई करने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि भाई क्या नाम है, एक रेंज ले लेता हूँ, उस रेंज के लिए है ना ट्रेन करूंगा, और हर ट्रेनिंग के ऊपर उसका इनर्शिया निकाल लूंगा। इनर्शिया बेसिकली डिफरेंस होता है, आप ये सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, एक क्लस्टर में 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है, उनका इनर्शिया निकालूंगा, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, जितना उनका कम होगा, और जब जहां पे एल्बो बनेगी वो मेरे लिए जो है करेक्ट वो होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पे या 2 पे एल्बो बन रही है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए या तो 2 या तो 3, तो यहाँ पे मैंने जो है 3 लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने 3 से दोबारा ट्रेन किया, उस पे 3 से ट्रेन करने के बाद, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, हाँ ये वाला कोड जो है, ये वाला जो है, इसको जो है अनकमेंट कर दीजिए। इसमें अब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेव करने के लिए बेसिकली एक पिकल लाइब्रेरी होती है, उसमें आप जैसे कि अगर आपने जावा में काम किया, पाइथन में काम किया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके उसको फाइल की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये के मॉडल के मीन्स के उसको ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके एक फाइल के फॉर्म में सेव कर लिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइल का नेम दे दिया, भाई ये होगा मेरे फाइल का नेम, और फिर मैंने ओपन फाइल इन राइट मोड, और उसको पिकल लाइब्रेरी के थ्रू डंप कर दिया, ठीक है। तो और वो इस नाम से लाइब्रेरी जो है, इस नाम से फाइल बन जाएगी, और मेरे इसी करंट डायरेक्टरी में जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको पिकल नहीं मिला, तो पिकल के लिए मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट पिकल, ठीक है। ओके, अब मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर ये के मीन्स मॉडल डॉट पिकल के नाम से ये वो बन गई होगी, फाइल बन गई होगी, ठीक है। अगर चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे गया मैं, ये रही के मीन्स मॉडल डॉट पिकल, PKL, ठीक है। अब दैट मीन्स कि जो मैंने ट्रेनिंग किया था मॉडल, वो एक फाइल की फ्रेम फॉर्म में सेव हो गया। अब ये आगे की चीजें आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ये चीजें वही हैं जो मैंने अभी आपको उसमें दिखाई, बेसिकली मैंने उन क्लस्टर्स को प्लॉट करके दिखाया। अब हम जल्दी से आ जाते हैं बैक एंड के ऊपर, ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन होके मैंने एक फाइल में सेव कर लिया, अब मुझे लिखना है बैक एंड। बैक एंड में मैं क्या करूंगा, एक REST API लिखूंगा, उसके लिए मुझे एक फ्लास्क, बेसिकली पाइथन का यूज कर रहा हूँ तो मुझे फ्लास्क की लाइब्रेरी चाहिए। तो फ्लास्क के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक फाइल बनाई एप डॉट पी वाई के नाम से, और ये जो है मैं आपको इसकी वो भी दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर, बेसिकली जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे पूरे जो प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर है उसको भी वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार एप डॉट पी वाई फाइल, एक नई फाइल बनाई एप डॉट पी वाई के नाम से, और इसमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया है, उसमें फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने ऐप नाम से असाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कि मैंने जो मॉडल सेव किया था उसको मैंने यहाँ पे लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर मेथड में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 ही मेथड हैं और ज्यादा कुछ है नहीं, ये इतनी सी फाइल है। वन बाय वन हर मेथड का एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ, कोड डिटेल में पढ़ना है तो रेपो पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से रिलेट कर ही लेंगे। ये मेथड क्या है बेसिकली, क्योंकि मैंने इसको ऐसे विजुलाइज किया था कि भाई मैं इसको रो डेटा दे दूंगा, मुझे अलग से नहीं करना, ठीक है, मैं इसको जैसे CSV फाइल दे दूंगा तो, और ये मुझे बस डायरेक्टली दे दे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे मैंने लोडिंग और क्लीनिंग डेटा जो है वही किया जो कि मैंने जस्ट अभी आपको जो है मॉडल में दिखाया था, सेम ही चीज है और कुछ भी अलग नहीं है, सेम कोड है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने मॉडल ट्रेन करने से पहले किया था। ये देखिए यहाँ पे रिमूविंग आउटलायर और ये सब, ये वही कोड है जो कि उसमें था, ठीक है, तो इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। ये प्री प्रोसेस वाला डेटा, ये भी सेम ही है जो अभी करके आ चुके हैं, तो दैट मीन्स कि ये पहले 2 मेथड हैं, ये इसलिए यहाँ पे डाले हैं कि भाई मॉडल को, क्योंकि हमने मॉडल को जो डेटा दिया है वो डेटा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, और डायरेक्टली ना यूजर हमें देने वाला है, तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो ये 2 मेथड उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये 2 मेथड वही कोड रखते हैं जो मैंने अभी आपको सारा दिखाया, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 2 मेथड ने वो कर दिया।
ये एक फिर मैंने ऐप डॉट रूट यानी कि होम पेज के ऊपर ये दिखा, ये मेथड होम की कॉल लगा दी, रेंडर टेम्पलेट यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर कर दे भाई। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरी ये वाली है, एच टी एम एल पे भी जाएंगे, एक प्लेन एच टी एम एल कोड मतलब एक वेब पेज है, तो मतलब कि जैसे ही ये फ्लास्क सर्वर चलेगा तो ये मेरा रेंडर एच टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को वो कर देगा, बेसिकली ये मेरा होम पेज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लैश प्रेडिक्ट, ये मेरा एक रेस्ट का पोस्ट टाइप की मैं एक रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, और ये मेरे को जो है रेस्ट एपीआई बन जाएगी मेरी, ठीक है। उसके इसकी इसके ऊपर जो है मैंने ये प्रेडिक्ट वाला मेथड कॉल किया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए कि भाई यूजर ने यहाँ से फाइल को ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा ना, ये प्रेडिक्ट मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, सबमिट जो है एच टी एम एल के ऊपर जाऊंगा तो दो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए फाइल अपलोड और सबमिट, ये सबमिट है और सबमिट ये स्क्रिप्ट के अंदर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल अपलोड हो गया। और ये देखो जैसे ही उसको एच टी टी पी रिक्वेस्ट आती है ये स्लैश प्रेडिक्ट यहाँ से भेज देता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हाँ सिंपल आप ये समझ लीजिए कि भाई स्लैश प्रेडिक्ट के स्लैश प्रेडिक्ट वाले यूआरएल के ऊपर ये वाला मेथड कॉल होगा। ये मेथड कब कॉल होगा, जब यूजर जो है सब यूआई से सबमिट बटन कॉल करेगा, यूआई से सबमिट बटन कॉल करेगा तो एक फाइल मुझे देगा, तो मैं क्या करूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल से फाइल उठा लूंगा, वो फाइल को जो है मैं करंट डायरेक्टरी में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद फिर उसके उस फाइल के ऊपर जो फाइल आई है उस फाइल के ऊपर मैं प्री प्रोसेस डेटा कॉल करवाता हूँ, जो कि मेरा ये वाला मेथड है प्री प्रोसेस डेटा, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था मॉडल में पूरे कोड में। ये वही सारी चीजें करेगा, कुछ नल वैल्यू होंगे तो उनको हटा देगा और वो सब तार सारा काम जान कर देगा जो कि अभी किया था, मतलब डेटा क्लीनिंग का पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद ये मुझे फिर एक डेटा फ्रेम देगा, डेटा फ्रेम जो है यही डेटा फ्रेम जो है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मॉडल को प्रेडिक्ट मॉडल का जो प्रेडिक्ट मेथड है उसमें दे दूंगा, और ये मुझे फिर एक और डेटा फ्रेम दे देगा रिजल्ट्स डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम को फिर मैंने अगर फर्दर प्री प्रोसेसिंग कर रखी, ये देखो ये मेरा जो है रिजल्ट्स डेटा फ्रेम, इसको मैंने क्या किया है कि बेसिकली जो यहाँ से जो मेरा डेटा फ्रेम आया था प्री प्रोसेस डेटा के अंदर जो है, इस डेटा फ्रेम के अंदर मैंने क्लस्टर आईडी जो थी वो और उसको मैंने जो है अटैच करवा दिया, बेसिकली कस्टमर आईडी क्योंकि मुझे चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं है, उसके बाद ये जो इमेजेस आपको यहाँ पे दिखी थी ये इमेजेस जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया, प्रेडिक्ट करने के बाद वो सारा डेटा इसके अंदर है डीएफ विद आईडी के अंदर, इस डेटा फ्रेम विद आईडी के, मतलब ये डीएफ विद आईडी एक टेबुलर फॉर्म में होगा। अब आपको टेबुलर फॉर्म में तो समझ में आएगा नहीं, टेबुलर फॉर्म में तो आपने इनपुट में ही दिया था, आप उसको दोबारा टेबल दे दोगे तो वो बोलेगा कि भाई ये क्यों दिया। तो जो इसकी सीबोन की लाइब्रेरी है उसका यूज करके स्ट्रीप प्लॉट एक मेथड होता है, उससे मैंने उसको प्लॉट किया, इमेज बनाई, इमेज की फाइल फॉर्म में उसको सेव किया, और उसको मैं अपने इस फाइल में अपने जो प्रोजेक्ट के इसमें यहाँ पे सेव कर लेता हूँ स्टैटिक वाले फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे आके मेरी जो है सेव हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है स्टैटिक और इस नाम से, ऐसे ही फिर दूसरी इमेज क्योंकि मैं तीन इमेज जनरेट कर रहा हूँ तीनों को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तीनों को सेव करके और तीनों का सेव का पाथ जो है इस रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट में देके और इसको रिटर्न कर देता हूँ, बस दैट्स इट, हो गया मेरा खत्म, ठीक है। अब मेरा बैकएंड भी पूरा बन गया है। अब मैं आपको जल्दी से एक बार फ्रंट एंड जो कि कुछ नहीं है, ये जो स्टाइल है यहाँ पे सारी स्टाइलिंग है, सीएसएस का कोड है, स्क्रिप्ट में एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि क्या होता है। स्क्रिप्ट में क्या होता है कि बेसिकली जैसे ही फाइल मेरी अपलोड होती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होती है स्लैश प्रेडिक्ट यू आर एल के साथ, और यहाँ पे जो है जो फॉर्म डेटा आया था उसको सेंड कर देती है। फिर यहाँ पे जो मेरा जो मेरा इस एप डॉट पी वाई ने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया है फिर मैं उसको पास कर रहा हूँ जेसन डॉट पास एक्स एच आर डॉट रिस्पॉन्स टेक्स, तो ये सिंपल एजेक्स के मेथड है, मैं उसको जेसन के फॉर्म में पास करके और मैं निकाल लेता हूँ कि भाई हाँ इसने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया है। ये मुझे रिस्पॉन्स देता है उन तीन इमेजेस के पाथ और विद द नेम,
ठीक है, उनको मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। रीड करने के बाद थोड़ी स्टाइलिंग करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कि भाई मैं उसकी स्टाइल की विड्थ कम कर देता हूँ ताकि मेरे स्क्रीन पे आ जाए, या हाइट कम कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ। ये सारा स्टाइलिंग का पार्ट है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं है इसमें। इसमें सिंपल जो है, जो रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स में मेरा उन इमेजेस का पाथ आएगा, उन इमेजेस के पाथ से मैं उन इमेजेस को रीड करता हूँ। रीड करने के बाद उन इमेजेस के ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ कि उनकी विड्थ कम कर दिए, उनको रैप कर दिया, और ताकि वो अच्छे से दिखे, ओवरलैप ना हो, और वो सारी चीजें। ये सारा यूआई का पार्ट है, वो सब चीजें कर रखी है, अलग से कुछ नहीं है। एक एक लाइन का कोड समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ लाइन का कोड है। मैंने जिस्ट आपको जो है दे दिया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एप डॉट पीवाई जो कि मेरा बैकएंड है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जाता हूँ इस फाइल के ऊपर। प्रॉक फाइल है कि आपको ये चाहिए होती है, इसमें बेसिकली आपके ये प्रोक फाइल बेसिकली आपको जब आप फ्लास्क का यूज करते हो तो ये एक तो ऐप, ये इसमें दो ऐप क्या है आपको, ये इसका बेसिकली पैटर्न होता है, वेब जी जी यूनिकोन, और फिर ऐप का नाम, और फिर ऐप का ऑब्जेक्ट यानी कि फ्लास्क का ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने यहाँ पे फ्लास्क का ऑब्जेक्ट भी ऐप के नाम से बनाया ना, ये दूसरा वाला फ्लास्क का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक मेरी प्रोफाइल रहेगी, ये सारी चीजें, ये अब ये इनका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये मेरी पेरेंट रेपो है, कस्टमर सेगमेंटेशन पेरेंट डायरेक्टरी है। इसके अंदर स्टैटिक है, स्टैटिक में जो मेरी इमेजेस जनरेट करेगा ना मॉडल, वो यहाँ पे आके सेव हो जाएंगी। टेम्पलेट्स में क्या है, मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, दो एचटीएमएल फाइल पड़ी है। उसके बाद ऐप डॉट पीवाई फाइल मैंने आपको दिखा दी, ये मेरा मॉडल है, जो ट्रेंड मॉडल है, जिसको मैं बेसिकली अपलोड वो करता हूँ मेरी ऐप डॉट पीवाई फाइल में जो है बेसिकली वो रीड करता हूँ। ये मैंने एक सैम्पल फाइल, मतलब क्योंकि मुझे गिटहब के ऊपर वो करना था, ये वो डेटा है, और प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा जो है कंटेंट है आपका जो है यहाँ पर है इसके अंदर, सेम सेम एज इट इज, ठीक है। अभी इतना एक्सप्लेनेशन के बाद स्टिल कोई डाउट है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ लाइन का कोड है, हर लाइन हर वर्ड एवरी चीज एवरीथिंग को बहुत ही मतलब इतनी डिटेल्स में नहीं मतलब समझाना भी नॉट एन इजी टास्क, बट आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग टू मेक सेंस ऑफ इट, मतलब कि ताकि आपको समझ में आए, उसका एक सेंस बने कि हाँ ये चीज क्यों की है, यहाँ पे ये ऐसा क्यों किया, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, कौन सी चीज कैसे होती है, वो सारी चीजें मैंने जो है आपको क्लियरली आपको जो है बता दी है। स्टिल उसके बाद भी आपको कोई डाउट है, आप यहाँ पे इस रेपो पे जाइए, कोड को रेफर कर लीजिए। उसके बाद भी कोई डाउट बच जाता है कि कोई पर्टिकुलर चीज ऐसे ही क्यों की, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई एम वर्किंग रियली रियली हार्ड सो दैट की जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो लोगों को एक्सपीरियंस ना करनी पड़े। और आप कहीं पे भी जाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आपका एंड टू एंड कोई नहीं समझाएगा, जो आधे पौने घंटे के अंदर जितना भी मैंने टाइम लगाया है बेसिकली, सो दैट कि आप कंप्लीटली उसका जो है एक रिलेट कर पाए चीजों को, कि भाई ये चीज क्यों है, प्रोसेस क्या है, ये कैसे होगी, वो कैसे होगी, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो सारी चीजें कवर करी हैं। स्टिल अगर कुछ बच गया है और आपका कोई डाउट है कमेंट्स में बताइए, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।